सतरूपा ने 84 लक्ष योनियों में स्त्री भावापन्न स्वयं को किया, मनु ने 84 लक्ष योनियों में स्वयं को पुरुष भावापन्न किया। इस प्रकार सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आदि हिंदू सिद्ध होते हैं। दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधने वाला केवल सनातन सिद्धांत ही सिद्ध होता है। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति, सृष्टि की समृद्धि, सृष्टि के निग्रह और अनुग्रह का विज्ञान वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। पृथ्वी की पूर्ण आयु कितनी, सृष्टि की कितनी अवधि, प्रलय की कितनी अवधि, इन सब तथ्यों का विज्ञान भी वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। इस प्रकार विश्व स्तर पर सनातन सिद्धांत की दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भावना होने पर स्वभाव से हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत स्थापित होगा और वह समय दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। नैना पंथा विद्यते अनाय, कुछ महीने पूर्व अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति बुश महोदय थे, उनके पिताजी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। दोबारा राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने के पूर्व उन्होंने एक वक्तव्य दिया जिसका भावार्थ यह होता है कि मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, लेकिन सृष्टि को लेकर जो बाइबल की मान्यता है आधुनिक विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया है, इतने अंशों में बाइबल को नहीं मानता। इसका अर्थ क्या हुआ? कल्पना कीजिए किसी की आस्था के कोई ग्रंथ सृष्टि के बारे में जो मान्यता प्रदान करता है, वैज्ञानिक युग में उस मान्यता पर पानी फिर जाए तो कहना होगा कि हम उस ग्रंथ को बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन समस्त वैदिक वाङ्मय की बात छोड़ दीजिए, भगवद गीता में केवल 700 श्लोक हैं, थोड़ी देर के लिए भगवद गीता की बात भी छोड़ दीजिए, ऋग्वेद के दशम मंडल में नासदी सूक्तम के अंतर्गत केवल 7 मंत्र हैं, उन 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि के स्वरूप का जो चित्रण किया गया है, परमात्म तत्व का जो चित्रण किया गया है, उसे कोई अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता। विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता हमारे वेदादि शास्त्रों में है, उनके मर्मज्ञ मनीषियों में है। इसी के बल पर हिंदू राष्ट्र भारत होगा, पूरे विश्व में हिंदुत्व के प्रति आस्था होगी। हमारे यहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह उद्घोष है। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार मैंने कहा भगवान की प्रार्थना करते हैं हम, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मातृशक्ति का सर्वोपरि स्थान है। हमारे यहाँ तो साक्षात जगदीश्वरी को जन्म देने का अधिकार माताओं को प्राप्त है, साक्षात जगदीश्वर की जननी बनने का अधिकार माताओं को प्राप्त है। हमारा जन्म भी किसी माता के उदर से ही हुआ है, इसलिए मातृशक्ति की भूमिका बहुत उच्च रहेगी। झांसी की रानी ब्राह्मणगढ़ की लाडली प्यारी बेटी थी, मायके में उसने अष्टसत्य का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। दुर्गा सप्तशती के अनुसार ब्रह्मादि देव शिरोमण जब असुरों के सामने विजयश्री प्राप्त नहीं कर रहे थे तो अपने समर्पित तेज से उन्होंने भगवती को अभिव्यक्त किया। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ उस रामचंडी ने जौहर दिखाकर देव शक्ति की रक्षा की। मातृशक्ति सदा उन्नत रहती है, आवश्यकता पड़ने पर अस्त्र शस्त्र धारण करने में भी संकोच का अनुभव नहीं करती। झांसी की रानी तक हमारा इतिहास यही रहा है। स्कंद पुराण काशी खंड के अनुसार सन्यासी का स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन सन्यासी को अपनी माता का दर्शन हो जाए तो अपनी गद्दी से उठकर सन्यासी माँ को दंडवत करे, सन्यासी के लिए भी माँ पूज्य
भगवान आदि शंकराचार्य महाभारत ने योग बल से जान लिया, उनकी माता ने शरीर छोड़ दिया है। निराग्नि होने पर भी माता को दिए गए वचन के अनुसार उन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से माता के सब शरीर का दाह किया। मातृशक्ति की सबसे ऊंची भूमिका रही है, आगे भी रहेगी। इसलिए हमने आनंद वाहिनी देवियों की सेना का गठन किया था, सैन्य शक्ति देवियों की आनंद वाहिनी के नाम से हमारे यहाँ है।